और इस वक्त एक बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां तीन बहनों के अपहरण से हड़कंप मचा हुआ है। बाइक सवार बदमाशों ने तीनों बहनों का अपहरण किया है। बदमाशों ने इसके लिए बकायदा 50 लाख की फिरौती भी मांगी है। नेपाल सीमा से सटे सिंगाही थाना क्षेत्र के खैरीगढ़ की घटना है। बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। DIG लखनऊ भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां तीन सगी बहनों का अपहरण किया गया है। और आपको बता दें कि अपहरण की बजाय फिरौती की रकम वसूल करना है, क्योंकि बदमाशों ने इन लड़कियों के परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। तो यहां पर पुलिस पूरी तरह से इनकी छानबीन में जुट गई है, खोजबीन में जुट गई है। और साथ ही आपको बता दें कि जंगल में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। DIG लखनऊ भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तो नेपाल सीमा से सटा एक गाँव है, जहाँ पर तीन सगी बहनों का बाइक सवार बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण किया है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो तो मौके पर जांच में जुटी चुका है, इन बहनों की तलाश में जुटी चुका है। साथ ही लखनऊ से भी टीम यहाँ आपके लिए रवाना हो रही है। और आपको बता दें कि बदमाशों ने इन तीन बहनों की रिहाई के एवज में, यानी कि फिरौती के तौर पर 50 लाख की रकम की मांग की है। सिंगाही थाना क्षेत्र का खैरीगढ़ गांव है, जहां इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया है। और ये नेपाल की सीमा से गांव लगता है। तो इस घटना के पास से पुलिस पूरी तरह से इन बहनों को तलाशने में जुट गई है। जंगल में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जहां जहां यहां पर संभावना है कि बदमाश जा सकते हैं, तो वहां वहां तलाशी ली जा रही है और सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। कमल मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, काफी चौंकाने वाली घटना है, तो जानना चाहेंगे कैसे और कब इस तीसरे अपहरण कांड को अंजाम दिया गया? देखिए प्रीति, ये निश्चित रूप से तीन सगी बहनों का मामला हैरत में डालने वाला जरूर है, लेकिन इससे पहले भी इंडो नेपाल सीमा पर अपहरण की वारदातें होती रही हैं और पुलिस की निष्क्रियता के चलते बदमाशों के हौसले हमेशा से बुलंद होते रहे। ये जो वारदात है ये बीती देर रात की है, तकरीबन 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। ये राम बलि गुप्ता है, कोलू व्यापारी, इन्होंने नया मकान बनाया हुआ है। तो इनके इनका पूरा परिवार जो है घर में सो रहा था, इसी दौरान तकरीबन आधा दर्जन बदमाश आते हैं और इनके घर में घुस के गन पॉइंट पे इनकी तीनों बेटियों को और इनकी पत्नी को लेके और तीनों बेटियों को लेके जंगल की ओर चले जाते हैं। प्रीति, तो यानी कि कमल, घर में घुसकर अपहरण यहाँ पर हुआ है इन लोगों का। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के।